मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय से पिछले अंक में हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन एवं इनसे संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन कर चुके हैं, साथ ही परावर्तन के नियम को भी पढ़ चुके हैं। आज हम प्रतिबिंब के प्रकार, गोलीय दर्पण एवं गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ेंगे। प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक तथा आभासी। तो ये प्रतिबिंब की डिफिनीशन है। अब हम देखते हैं वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब को। सर्वप्रथम वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अब हम गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है और इसके एक तल पर पॉलिश होती है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। नंबर दो उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण को परिभाषित करेंगे। देख रहे हैं, ये हमारा एक गोला है और गोले को यदि खोखले गोले को काट करके, देख रहे हैं, इस स्थान से खोखले गोले को काट दिया जाता है और इसके एक तल पर, देख रहे हैं, एक तल पर पिंट कर दिया जाता है और जबकि ये दूसरा तल परावर्तक तल है। इसी प्रकार यदि इस दबे हुए तल पर पिंट कर दिया जाता है और उभरा हुआ तल परावर्तक बनाया जाता है, तो ये दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है। और जबकि अगर उभरे हुए तल में पेंट कर दिया जाए और दबे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण में आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, तो इनको हम आगे परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चित्र में आपने देखा
वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है और उभरे हुए तल में पेंट कर दिया जाता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात उत्तल दर्पण में दबे हुए तल में पेंट होता है और उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के विपरीत ओर होता है। तो देख रहे हैं गोलीय दर्पण, हमारा गोलीय दर्पण में देख रहे हैं ये अवतल दर्पण और दूसरे चित्र में उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है इसके केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को ही अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र या उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देख रहे हैं अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल की ओर, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के देख रहे विपरीत ओर होता है। अब वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सीपी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो देख रहे हैं सी से पी के बीच की दूरी सीपी, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो उत्तल दर्पण में यदि देखें तो सी से पी अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चित्र में देख रहे हैं सीपी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। अब इसके बाद हम ध्रुव को परिभाषित करेंगे। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। तो देख रहे हैं चित्र में M1 M2 ये हमारा एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। इस दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तो देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में जो हमारा ये परावर्तक तल है इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसके बाद हम दर्पण का द्वारक को परिभाषित करेंगे। दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो M1 M2 देख रहे हैं M1 M2 दर्पण का द्वारक है। तो ये हमारा अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में देख रहे हैं M1 M2 तो ये हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 M2 दर्पण का द्वारक है। अब इसके बाद हम मुख्य अक्ष को परिभाषित करेंगे। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, तो देख रहे हैं दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो ये हमारी जो रेखा है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो रेखा PC दर्पण का मुख्य अक्ष है।
देख रहे, ये रेखा जो दिखाई गई है इसी रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद मुख्य फोकस में देख रहे हैं, चित्र में अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के यानी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देख रहे हैं, अवतल दर्पण में तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यह दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा है। एक बार पुनः देखते हैं, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं ये अवतल दर्पण में होता है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं ये उत्तल दर्पण में होता है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस पर वास्तव में मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में किरणें फोकस यफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। यफ देख रहे हैं चित्र में, एफ दर्पण का मुख्य फोकस है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अब इसके बाद हम फोकस दूरी को परिभाषित करेंगे। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। पीएफ दर्पण की फोकस दूरी है। तो दर्पण के ध्रुव, तो देख रहे हैं चित्र में बिंदु पी दर्पण का ध्रुव है और एफ मुख्य फोकस है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में भी देख रहे हैं ध्रुव और फोकस, इनके बीच की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब हम फोकस तल को परिभाषित करेंगे। फोकस तल वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। तो दिए गए चित्र में देख रहे हैं एफ फोकस है और CF CP ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वह तल करा जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो देख रहे हैं इस तल को जो मुख्य अक्ष पर लंबवत है और मुख्य फोकस से होकर जाता है, इसी तल को हम फोकस तल कहते हैं। अवतल दर्पण में यदि देखें तो अवतल दर्पण में क्योंकि हमारा आभासी फोकस होता है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो इसमें इस तल को फोकस तल कहते हैं। अब हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ेंगे। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी को यदि एफ से और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करें तो एफ बराबर आर बटे दो, जहां एफ फोकस दूरी और आर वक्रता त्रिज्या है। इसके बाद हम गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियमों को पढ़ेंगे। गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। तो किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के
तीन नियम हैं और इन तीन नियमों में से किन्हीं दो नियमों का उपयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो प्रतिबिंब खींचने के कुल तीन नियम हैं और तीन नियमों में से किन्हीं दो नियमों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करते हैं। आप देखते हैं पहला नियम, पहले नियम में दिया है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देख रहे हैं पहले नियम के अनुसार कोई प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर वापस आती है। तो देख रहे हैं अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम ये, और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चित्र में देख रहे हैं मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और उत्तल दर्पण में यदि देखें तो ये फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि तीसरा नियम है, तीसरे नियम में कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तो देख रहे हैं अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये प्रतिबिंब को खींचने के तीन नियम हैं। इन तीन नियमों में से किन्हीं दो नियमों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं। अब हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाने के नियम समझेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो देख रहे हैं अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर स्थित है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल पर वास्तविक उल्टा वा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, कह सकते हैं एक बिंदु साइज का होता है। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल पर बनेगा वास्तविक उल्टा वा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अब हम दूसरी स्थित, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उस स्थित में बनने वाला प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा वा वस्तु से छोटा बनता है। तो चित्र में देख रहे हैं ए बी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। इसमें देख रहे हैं प्रतिबिंब खींचने के लिए एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर खींची जो कि फोकस से होकर वापस लौटती है, और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से होकर खींच रहे हैं जो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो देख रहे हैं एक किरण और दूसरी किरण जिस बिंदु पर काटती हैं इसी बिंदु से यदि मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया जाए तो ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति मिल जाती है। तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो कि देख रहे हैं वस्तु के सापेक्ष
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। अब हम तीसरी स्थिति देखेंगे। तीसरी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो देख रहे हैं अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ए बी वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अब हम चौथी स्थिति देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। तो देख रहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। देख रहे हैं ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो कि वस्तु के सापेक्ष वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा है। इसमें भी देख रहे हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम में एक किरण हमने वक्रता केंद्र से होकर खींची है जो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है जबकि दूसरी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर खींचा गया है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौटती है। और देख रहे हैं दोनों बिंदुएं दोनों किरणें ए डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यहीं से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देने से हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। अब हम पांचवी स्थिति देखेंगे जब वस्तु फोकस पर स्थित हो फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो देख रहे हैं फोकस पर स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसमें भी देख रहे हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम में एक किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर खींचते हैं जो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जबकि दूसरी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं जो कि फोकस से होकर वापस लौट जाती है। और ये दोनों किरणें आगे देखेंगे अनंत पर जाकर मिलेंगी तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब हम छठी स्थिति यदि देखें छठी स्थिति जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। तो चित्र में देख रहे हैं फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं दो किरण दिखाई गई, एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली और दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर वापस लौटती हैं। देख रहे हैं इन दोनों किरणों को यदि आगे बढ़ाएं तो दोनों में फैलाव बढ़ता जाएगा जबकि इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को काट देती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि पीछे की ओर काट रही हैं तो दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। तो देख रहे वस्तु के सापेक्ष दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यदि अब ध्यान से देखा जाए तो ध्यान से देखने पर इन छह स्थितियों में हम पाते हैं कि जैसे जैसे वस्तु अनंत से दर्पण के फोकस की ओर जाती है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब फोकस से दूर अनंत की ओर हटता जाता है। और जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनता है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाने के नियम समझेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें केवल दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। नंबर एक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा तथा दर्पण के फोकस पर बनता है।
देख रहे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर आभासी सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, क्योंकि देख रहे दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है अर्थात परावर्तक तल के विपरीत ओर, इसलिए आभासी। अब हम दूसरी स्थिति पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में अनंत और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है, देख रहे हैं दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें भी प्रतिबिंब खींचने में दो किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर जो कि फोकस से परावर्तित हुई प्रतीत होती है, दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र की ओर खींचते हैं जो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। दोनों किरणें ए डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनका प्रतिबिंब देख रहे हैं ए डैश बी डैश प्राप्त होता है जो कि वस्तु के सापेक्ष सीधा है, आभासी है और वस्तु से छोटा है और फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के दो नियम हैं, एक वस्तु जब अनंत पर स्थित हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा खींचे जाते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।